उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी की आस्था से खेलने का अधिकार किसी को नहीं, कानून इसकी इजाजत किसी को नहीं देता, सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है और डासना के मंदिर के पुजारी ने मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ जो बयानबाजी की उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इधर देख ली मैम, क्या मांगे हैं और किस तरह से ये ज्ञापन जो है गुस्ताख नबी नरसिंहानंद जो कि सारी हदों को पार कर गया और इसके पहले भी इस तब तक बारे में वो बहुत पहले से गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है। हम लोगों का शिक्षण के हिसाब से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हर धर्म की इज्जत किया जाए, सांप्रदायिकता की बातें ना की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबके साथ एकता का बर्ताव किया जाए। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि नरसिंहानंद ना इतनी बातें कर रहा है अभी तक जेल नहीं गया। 20 करोड़ यहाँ का मुसलमान परेशान है और जेल न जाना एक बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी धर्म के गुरु को, किसी भी धर्म के महापुरुष को कोई भी अपशब्द नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये गुस्ताख नबी ये नरसिंहानंद बार बार कर रहा है और इसको सरकार की पुष्ट पनाही मिल रही है इसीलिए कर रहा है। हमारी मांग है आज तक उस पर गुंडाई की कार्रवाई नहीं हुई, हमारी मांग है उस पर राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए और उसको जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करके जेल भेजा जाए और सबके साथ एक ही तरह का न्याय हो, दो तरह के न्याय ना हो कि आपके साथ अलग न्याय हमारे साथ अलग न्याय ये ना हो। क्या पर्चे आपका? मुझे मोहिउद्दीन एडवोकेट कहते हैं, मैं MIM का यहाँ पे जिला अध्यक्ष।